हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने जो बाल अपने मोटे किए हैं और घने किए हैं वो किस वजह से हुए हैं और क्या लगाने पे हुए हैं। तो वो प्रोडक्ट है मोर F10। ये मिनोक्सीडिल का प्रोडक्ट है जिसमें फिनास्ट्राइड रहता है। ये एक टॉपिकल सोल्यूशन है जिन लोगों को सेकेंड ग्रेड का बॉल्डनेस होता है या थर्ड ग्रेड का बॉल्डनेस होता है, जिनके बाल बहुत पतले हो जाते हैं, जिनके बाल बहुत टूट रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है। बिकॉज मेरा जो सीन था वो मेरे बाल बहुत पतले हो जा रहे थे और बहुत टूट रहे थे, तो मुझे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था वो मिनोक्सीडिल था। मैंने मिनोक्सीडिल के बहुत अलग अलग ब्रांड यूज किए हैं, जैसे मिनीचेक यूज किया है मैंने और किर्कलैंड यूज किया है मैंने, एंड देन फाइनली मैंने मोर F10 यूज किया जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं आप लोगों को लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, अपने रिजल्ट की फ़ोटोज़ भी ऐड करूँगा, तो वो आप लोग देख सकते हो कैसा रहेगा, क्या रिजल्ट आए हैं। बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों के मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आए हैं मोर F10 लगाने से। मैं आप लोगों के सामने ये अनबॉक्स करता हूँ कि इसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। मैं इसको नेटमेट्स या फ्लिपकार्ट से मंगाता हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर लेना, उस पर अगर आप नेटमेट से ऑर्डर करोगे तो उस पर आपको डिस्काउंट भी रहता है, बट फ्लिपकार्ट पे भी सेम वही प्राइस रहता है आफ्टर डिस्काउंट। तो आप लोग जहाँ से मन करे वहाँ से ऑर्डर कर लो। ये है मोर F10, 60 ml रहता है। इसको लगाने का तरीका होता है कि आप दो तरीका होता है इसमें, एक ड्रॉपर दिया रहता है और दूसरा जो रहता है वो स्प्रे मेथड रहता है। तो आप चाहो तो ड्रॉपर यूज कर सकते हो और या फिर आप स्प्रे मेथड यूज कर सकते हो। ड्रॉपर का बेनिफिट ये होता है कि जिसके बाल बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो स्प्रे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो बालों के ऊपर ही रहेगा। जब तक रूट तक बाल नहीं जाते हैं तब तक कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो इसमें देख लें, इसका ये है गाइड है कि क्या है, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है सब कुछ, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि कैसे लगाना है, क्या है क्या नहीं है, और इसके इसके बारे में कंटेंट डिस्क्रिप्शन है इसका, जिसमें आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें मिनोक्सीडिल रहता है प्लस फिनास्ट्राइड रहता है 0.1%, एंड अल्कोहल भी रहता है इसमें 32% रहता है, और वाटर रहता है। तो ये अल्कोहल रहता है, थोड़ा अल्कोहलिक स्मेल आता है, बट जो लगाने के बाद जो बाल सफ़ेद हो जाते थे वो मतलब ऐसे लगता है कि डस्ट है बालों पे, तो ऐसा नहीं फील आता है। इसमें लगाने का दो मेथड हुआ है, ये ड्रॉपर है और ये स्प्रे मेथड है। तो आप लोग मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ड्रॉपर ही यूज करो, स्प्रे मत यूज करो, बिकॉज इससे बालों के अंदर पूरा का पूरा बालों के अंदर ही जड़ में जाता है मिनोक्सीडिल, और आपको लगाना है 1 ml तक। इस पर मेजरमेंट दिया हुआ है 1 ml, सुबह एंड शाम 1 ml लगाना है आपको ये दोनों, तो इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपका। ये जो 60 ml लेता है 1 month आराम से चल जाता है आपको। अच्छे रिजल्ट के लिए 1 ml सुबह शाम डेली लगाना है, और वो 6 month के लिए लगाना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका जो प्राइस है 925 है, बट आपको नेटमेट से ऑर्डर करोगे तो आपको डिस्काउंट होकर अराउंड 700 तक समथिंग पड़ जाएगा। ये है मिनोक्सीडिल फिनास्ट्राइड टॉपिकल सॉल्यूशन, 10% है। ये मेल के लिए बेनिफिट उनको लगेगा जो सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड बॉल्डनेस के पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इससे। तो आप इसे यूज कर सकते हो। मैं अपना जो मेरा रिजल्ट आया है, जो मेरे बाल बहुत थिन थे और बहुत थिक हो गए हैं, बहुत मोटे हो गए हैं, उनका मैं आपको फ़ोटो अटैच करता हूँ इसके साथ, आप लोग देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्रोडक्ट का लिंक भी डाल दूँगा, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, रही बात ये कि इसके साथ कोई टैबलेट ले रहे थे तो विटामिन्स के कुछ टैबलेट थे जिसमें बायोटिन ग्रैप्स, वो डॉक्टर रेड्डी के कुछ टैबलेट से जो मैं ले रहा था, मैंने कंटिन्यूस 3 months लिया था, डॉक्टर ने जैसा मुझे सजेस्ट किया था। आफ्टर 3 months जब थोड़े थोड़े रिजल्ट दिखने लगे तो डॉक्टर ने वो बायोटिन की टैबलेट बंद करवा दी, एंड देन आफ्टर मुझे मिनोक्सीडिल कंटिन्यू करने के लिए बोला। 6 month तक मैंने कंटिन्यू किया, फिर मैंने डॉक्टर से एक बार और कंसल्ट किया, उन्होंने बोला आप मिनोक्सीडिल कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आप चाहते हो अच्छा हेयर ग्रोथ। बिकॉज इससे क्या होता है, जब आप मिनोक्सीडिल लगाते हो स्कैल्प पे तो उससे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है स्कैल्प का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जब ब्लड का फ्लो ऊपर आएगा तो उसे नए बाल आते हैं, और जो बाल होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो बालों का जो ग्रोथ है होता है वो बढ़ जाता है, बाल आपके बहुत मोटे होने लगते हैं। तो मैं अपना फ़ोटो भी अटैच कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो इसके साथ। तो आप इसे परचेज करना है तो आप फ्लिपकार्ट या फिर नेटमेट्स या 1 mg ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या आप किसी स्टोर पे मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हो।